जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं इंडियन नेवी और एमआर के लिए एक नया लेटेस्ट पैटर्न पर एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है। तो सबसे पहले, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही आने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो और लेटेस्ट न्यूज़ का अपडेट लगातार आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। टीपू सुल्तान का जन्म है जो कब हुआ था, वेन वाज टीपू सुल्तान बोर्न। तो टीपू सुल्तान का जन्म है वो कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है जब क्या हो जाएगा, 20 नवंबर 1750। 20 नवंबर 1750 को है जो टीपू सुल्तान का है वो जन्म हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। जब ज्वालामुखी होता है वो फट जाता है, उसके बाद जो तरल पदार्थ धरती के ऊपर आ जाता है और जम जाता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में बहुत सा एक सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पर दे रखा है, और वो आंसर हो जाएगा आपका लावा। जो लावा होता है उसको क्या, सॉरी, जो ज्वालामुखी होता है और ज्वालामुखी फटने के बाद जो तरल पदार्थ धरती के ऊपर आकर जम जाता है उसको क्या कहते हैं, अपने लावा कहते हैं। जिस प्रकार मान लो ये भूपर्पटी है, इसके अंदर है जो इस प्रकार यहाँ पर है जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी अगर जिस प्रकार ये बाहर निकलेगा तो ये जो लावा निकलेगा ये आसपास का क्षेत्र होगा, यहाँ पर है जो जम जाएगा, इस क्षेत्र के अंदर है जो जम जाएगा, इस प्रकार से जम जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ये जो तरल पदार्थ होता है इसको अपने घर जो क्या बोलते हैं, इसको अपने जो लावा बोलते हैं। तो यह ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा इज हेडेड बाई, राज्यसभा का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो सभी साथियों का लगभग कमेंट आया होगा या फिर सभी साथियों ने लगभग यही सोचा होगा कि राष्ट्रपति है जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो उनका सोचना, उनका आंसर देना गलत होगा, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि रविंद्र सर और अलग दो टीचर्स के द्वारा एक है जो बेंच लॉन्च किया गया है, कंप्लीट व्हाइट बोर्ड बेंच है, जो लगभग आपको है जो 599 रुपये के अंदर आपको है जो दिया जा रहा है, और 599 सीटें ही इसके अंदर है जो वैलिड की गई अभी तक है, जो आपके लिए लगभग 200 सीटें खाली हैं, यानी कि 200 सीटें अभी तक है जो खाली है, जिन पर आप अपना है जो कोर्स को खरीद सकते हैं। और जल्दी से आप इसको कोर्स को खरीदने के लिए आप है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उनको इंस्टॉल कीजिए, और ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी इसकी पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो के लास्ट के अंदर बता दूंगा कि इसके अंदर क्या कुछ आपको फैसिलिटी है वो मिलने वाली है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, वेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट है वो कब किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है जो क्या हो जाएगा, 11 जुलाई। 11 जुलाई को है जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस संविधान संशोधन को छोटा संविधान संशोधन कहा जाता है, किस संविधान संशोधन को मिनी अमेंडमेंट है जो एक अमेंडमेंट हुआ था, किस अमेंडमेंट को है जो एक स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कहा जाता है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके बाद उस संविधान संशोधन को एक छोटा संविधान है जो कहा जाने लगा। तो किस संशोधन को, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसको है जो एक मिनी संविधान, छोटा संविधान भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अकबरनामा के लेखक कौन है, बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अकबरनामा, अकबरनामा बुक के है जो लेखक कौन है, कौन है अकबरनामा बुक के लेखक, अबुल फजल। तो अबुल फजल यानी कि डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। आगे देखो, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है वो क्या था, भारत के अंदर तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, कृषि। तो कृषि उसका है जो मुख्य उद्देश्य था, क्या था उसका मुख्य उद्देश्य, कृषि था उसका है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि ही था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कैलाश सत्यार्थी ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, यानी कि हाल ही के अंदर कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र से संबंधित उनको है जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था।
इन विच फील्ड डिड कैलाश सत्यार्थी रिसीव द नोबेल प्राइज, तो खेल, शांति, अर्थशास्त्र या फिर विज्ञान। तो उनको है जो हाल ही के अंदर है जो कैलाश सत्यार्थी को जो शांति के लिए है जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। आगे देखो, कंप्यूटर विज्ञान में HTML का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML ऑफ इन कंप्यूटर साइंस। आपसे पूछा है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है, हाइपर टेक्स्ट मेन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेमोरी लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट मॉनिटरी लैंग्वेज। तो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट और कौन सा हो जाएगा, मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप देखो कौन से में दीर्घ है, बी ऑप्शन में दीर्घ है, तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जो कब स्टार्ट हुआ था, 1914, 1917 या फिर 16, तो 1914 के अंदर। ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन दे रखा है 1914 से लेकर कब से कब तक चला था, 1914 से 19 तक। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के प्रसिद्ध मार्स मिशन को कहा जाता है, द फेमस मार्स मिशन ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, ब्रो BROSIS, SIS, DAD, DAD, या फिर MOM, उसको क्या कहा जाता है, मोम, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, डी ऑप्शन उसको है जो MOM यानी कि मोम के नाम से पुकारा जाता है या फिर पुकारा जाता था, उसको बोला जाता था। अगला प्रश्न देखो, यूनियन बजट हमेशा सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत है वो किया जाता है, यूनियन बजट है वो सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, वेयर इज द यूनियन बजट ऑलवेज प्रेजेंट फर्स्ट, तो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा, संसद, राज्यसभा या फिर राज्यों की विधानसभाओं के अंदर। तो सर्वप्रथम है जो यूनियन बजट होता है उसे सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो लोकसभा के अंदर उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको है जो पब्लिश किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, विच मुगल रूलर वाज अनएजुकेटेड, मतलब अशिक्षित था ऐसा कौन सा शासक था। तो बहुत सा फेमस शासक है, एक अकबर, अकबर एकमात्र शासक था मुगल वंश के अंदर जो क्या अशिक्षित था, वो शिक्षित नहीं था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, विश्वव्यापी पर्व के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है, हु इज नाउ ऑफ इन्वेंसिंग द फेस्टिवल वर्ल्ड वाइड। तो विश्वव्यापी पर्व के लिए आविष्कार के लिए किसके किस व्यक्ति को है जो जाना जाता है, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा कमेंट करके सभी साथी जरूर बताएं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है जो क्या हो जाएगा, सर टिम बर्न्सली, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस संशोधन को दल बदल कानून कहा जाता है, विच अमेंडमेंट इज कॉल्ड दल चेंज एक्ट, यानी कि जो क्या दल बदल करना किस एक्ट को कहा जाता है, किस अमेंडमेंट को कहा जाता है, तो किस संविधान संशोधन को है जो दल बदल कानून कहा जाता है, कौन सा था, 52वां, तो 52वां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ए ऑप्शन में देर का है। अगला प्रश्न देखो, 16 नंबर प्रश्न क्या देर का है, भारत रत्न जीतने वाले प्रथम विदेशी हैं, हु इज द फर्स्ट फॉरिजनर टू विन भारत रत्न, भारत रत्न जीतने वाले प्रथम विदेशी कौन है, कौन है भाई भारत रत्न जीतने वाले प्रथम विदेशी, सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं, खान अब्दुल गफार खान, तो खान अब्दुल गफार खान इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जो भारत रत्न जीतने वाले प्रथम विदेशी थे। अगला प्रश्न देखो, वाटर पोलो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो क्या एक गेम है और इसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वाटर पोलो, तो इसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, इसके अंदर है जो टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। अब देखो ऑप्शन आपके सामने 2 देर के हैं, तो बी और सी, कोई भी ऑप्शन बोलो आपके लिए सही होगा, सी ऑप्शन की 7 इसके अंदर जो खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देखो, चैंपियंस ट्रॉफी संबंधित है, इज द चैंपियंस ट्रॉफी रिलेटेड, चैंपियंस ट्रॉफी किस से संबंधित है, किससे संबंधित है भाई चैंपियंस ट्रॉफी, इसका संबंध है वो किससे है, हॉकी से, किससे है,
हॉकी से, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है जो हो जाएगा हॉकी। आगे देखो अगला प्रश्न दे रखा है, कलहण की पुस्तक है इस कलहण बुक, कलहण ने जो किस पुस्तक की रचना की थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमआर के लिए, नेवी एमआर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रास तरंगिणी। कलहण की पुस्तक कौन है? रास तरंगिणी। इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू रीच अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? जी एस सिरोही, बी के दत्ता, राकेश शर्मा। तो जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए कौन थे अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति? जी एस सिरोही। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या देर का है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कान्हा टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो किस राज्य में है कान्हा रिजर्व टाइगर है जो, किस राज्य में? सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए किस राज्य के अंदर है कान्हा रिजर्व टाइगर है जो, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल। प्राइवेसी का जो आर्टिकल है वो किस आर्टिकल के अंदर है जो आता है? प्राइवेसी कम्स अंडर, यानी कि निजता का जो अधिकार है राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए, आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21। तो बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है वो क्या देर का है, हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया? वेन वॉज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फोर्ट। हल्दीघाटी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1576 के अंदर। तो 1576 यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द पाल डायनेस्टी। तो पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? गोपाल, रामपाल, धर्मपाल या फिर भास्कर। तो पाल वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम क्या था? गोपाल। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से प्रत्यक्ष कर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा? स्वास्थ्य कर, सेवा कर, सीमा शुल्क या फिर उत्पाद शुल्क। तो जो स्वास्थ्य कर है, स्वास्थ्य कर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है, एक डायरेक्ट टैक्स है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अब साइंस के क्वेश्चनों से। तो निशाता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? डिस्पेशिया इज केज्ड बाई डिफिशेंसी ऑफ विच विटामिन। तो निशाता रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यानी कि विटामिन ए की कमी से है जो कौन सा रोग होता है? निशाता रोग है वो होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने से पहले दोबारा एक बार फिर मैं आप सभी को है जो थोड़ा सा इसके अंदर बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको है जो 80+ यानी कि 80 से ज़्यादा, तो यहाँ पर देर का 87+ आपको है जो व्हाइट क्लासेज मिलने वाली है। कितनी मिलने वाली है आपको व्हाइट क्लासेज? 87+ आपको यहाँ पर जो व्हाइट क्लासेज मिलने वाली है। कंप्लीट सिलेबस आपको है जो 87 से ज़्यादा क्लास व्हाइट क्लासेज के अंदर है जो कम्प्लीट है, जो सर के द्वारा कवर आपको करा दिया गया है। डिटेल्स एनालिसिस और प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम थे उन पर भी जो क्वेश्चन पेपर थे उनको भी आपको ऐसे यहाँ पर है जो समझाया गया अच्छे तरीके से हिंदी और दोनों लैंग्वेज के अंदर। 20 से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए यहाँ पर है जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल ऐप है उस पर आपसे लिए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे। आपको है जो अलग सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप की जो फैसिलिटी है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल सब कुछ जितना भी इम्पोर्टेंट जो नेवी मार के लिए इम्पोर्टेंट है जो मटेरियल है इसके अलावा सब आपको यहाँ पर है जो अवेलेबल कराया जाए। प्रत्येक डे का करंट अफेयर होता है उसका भी डेली क्विज आपको यहाँ पर है जो ऐप के ऊपर है जो दिया जा रहा है, और पिछले का जो 6 मंथ का करंट अफेयर था वो भी आपको यहाँ पर है जो कवर कराया गया है। और बाकी इसके अंदर एक और बात है जो बहुत बड़ी बात है जो इस कोर्स के अंदर आप सभी को दी गई है, तो वो आपको क्या इसके अंदर है जो दी गई है ये आपको जो वीडियो के लास्ट के अंदर आपको सभी को बताऊंगा। तो सभी साथी उस बात को जानने के लिए, उस सरप्राइज को जानने के लिए, उस सबसे बड़ी जो इसके अंदर है जो एक
आप सके के लिए एक जो बहुत बड़ी चीज़ आपको इसके अंदर जो दी गई है वो भी फ्री दी गई है, वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना और लाइक भी करते रहना। आगे देखो 27 नंबर क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है, ह्यूमन स्कूल्स हैव बोन्स, मानव खोपड़ी के अंदर है जो कितनी हड्डियाँ होती है। आंसर देखो भाई 56, 21, 87 या फिर 67। तो लगभग कमेंट कर रहे हैं कितने करेंगे, 56 होगी। अरे भाई कितनी होगी जल्दी से साथी कमेंट करके बता दीजिए कितनी होगी, 27 का कमेंट करके बता दीजिए कितनी होगी, 21 कितनी होगी, 21। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, 21 हड्डियां हैं वो होती है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या देर का है, अगला क्वेश्चन देख लो क्या देर का है, अगला क्वेश्चन है जो क्या देर का है। यूरिया का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो यूरिया का है जो रासायनिक नाम आपको बताना है, तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ यूरिया, एन यूरिन, क्लोरोएथेल, कार्बामाइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, करेक्ट आंसर आपका इसका है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका है जो हो जाएगा क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, कार्बामाइड। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है यानी कि सर्वाधिक होती है, विच एलिमेंट हैज द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस होती है यानी कि सबसे ज्यादा किसके जो ऋणात्मकता होती है, विद्युत ऋणात्मकता जो सबसे ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन और लिथियम। तो सबसे ज्यादा ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, क्लोरीन मत कर देना फ्लोरीन करना, तो फ्लोरीन करोगे तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है जो हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, सिट्रिक अम्ल का स्रोत है, इज द सोर्स ऑफ सिट्रिक अम्ल, तो सिट्रिक एसिड का सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत कौन सा है, नींबू है, दूध है, गाजर या फिर टमाटर है। तो नींबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल का अच्छा स्रोत कौन सा है, नींबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, मनुष्य में वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है, व्हाट इज द वायरस कॉज्ड बाय वायरस इन ह्यूमंस, तो वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी है जो मनुष्य के अंदर पहुंचती है, डेंगू, टीबी, निमोनिया या फिर टाइफाइड। तो डेंगू जो रोग होता है ये वायरस के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है, तो डेंगू आपका इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 32 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसकी प्रकृति अनुचुंबकीय है, किसकी प्रकृति अनुचुंबकीय है, तो किसकी प्रकृति है जो अनुचुंबकीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैग्नेटिक नेचर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लोहा या फिर नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा, ऑक्सीजन कहां पर दे रखा है, देखो ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नियम आवर्ती के लिए दोलन काल होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है साइंस का, इज द ऑक्सीलेशन टाइम्स फॉर रिक्वायरिंग रूल्स, नियम आवर्ती के लिए दोलन काल कितना होता है, इनडेफिनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट या फिर जीरो। तो दोलन काल होता है वो फाइनाइट होता है, कितना होता है, फाइनाइट होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम फॉर विटामिन ई, विटामिन ई के लिए दूसरा नाम है वो आपको बताना है, रेटिनॉल, टोकोफेरोल, थायमिन या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है या फिर सेकंड नेम है जो इसका बताना है, तो सेकंड नेम इसका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, विटामिन ई का दूसरा नाम हो जाएगा टोकोफेरोल, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स का आपको रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नाम, साइंटिफिक नाम आपको बताना है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग, तो डॉग का साइंटिफिक नाम क्या होता है, बोस इंडिक्स, कैनिस फेमिलियारिस, मस्का डोमेस्टिस और राना रिग्रीना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कैनिस फेमिलियारिस, यानी कि बी ऑप्शन इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैनिस फेमिलियारिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्टीम इंजन की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द स्टीम इंजन,
तो स्टीम इंजन की खोज है वो किसने की थी? तो स्टीम इंजन की खोज किसने की थी? साइमन स्टीवन ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने, गैरी स्टोरकवर्दर ने या फिर पर्सी स्पेंसर ने? तो जॉर्ज स्टीफेंस बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से राशि है, निम्न में से सदिश राशि है, यहां पर थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है, निम्न में से सदिश राशि आपको यहां पर बताना है। तो सभी साथी 37 नंबर क्वेश्चन को लेकर डाउट में ना, सदिश राशि आपको यहां पर बताना है। तो निम्न में से कौन सी सदिश राशि है ये आपको बताना है। तो संवेग है जो सदिश राशि है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सदिश राशि पूछा है यहाँ पर, सदिश राशि इसके अंदर नहीं लिखा है, स्क्रीन पर मैंने लिख दिया सदिश राशि। तो सदिश राशि आपको यहाँ पर है जो बताना है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, कपड़ा धोने का जो मशीन होता है अपनी, जिसको वॉशिंग मशीन बोलते हैं, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? व्हाट प्रिंसिपल्स इज द वॉशिंग मशीन बेस्ट ऑन? जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस प्रिंसिपल यानी किस सिद्धांत पर है जो कार्य करती है? अपोहन, अपकेंद्रीकरण, विपरीत प्रसरण या फिर फैलाव? तो ये जो वॉशिंग मशीन होती है जो किस पर कार्य करती है, किस पर कार्य करेगी? अपोहन पर करेगी, अपकेंद्रीकरण पर करेगी, विपरीत पर करेगी, या विपरीत प्रसरण पर करेगी, या फिर फैलाव पर करेगी? इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, गूगल करो कुछ भी करो आंसर दे दो। 38 नंबर का आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में देंगे, प्रत्येक परीक्षा के अंदर आपसे एक क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स के अंदर आपसे आंसर जानूंगा। अगर आपका इसका आंसर सही दे देते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको लाइक कर दूंगा, यानी कि या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आप है जो एग्जाम बुक ऑप्शन से देख सकते हैं, कोई एग्जाम बुक ऑप्शन से मैं कमेंट कर दूंगा, मेरी जो एग्जाम बुक ऑप्शन अकाउंट है उससे। तो आप वहां पर देख लेना कि एग्जाम बुक ऑप्शन के द्वारा क्या कमेंट किया गया, वो इसका आंसर है जो हो जाएगा। बाकी सभी साथी इसका आंसर खुद कमेंट करेंगे, चाहे कहीं से देखो, गूगल से देखो, बुक से देखो, या फिर किसी से पूछ के बताओ, आंसर सभी साथी जरूर देंगे। आगे अपने बढ़ते हैं अब मैथ के क्वेश्चनों की तरफ। सबसे पहला मैथ का क्वेश्चन, और मैथ का क्वेश्चन है, इनका सोलभ आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथियों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें है जो मैथ के क्वेश्चन है इनकी है जो पीडीएफ नहीं उपलब्ध कराई गई। तो मैंने सर से बोला था कि सर इनको पीडीएफ उपलब्ध नहीं करवाई, तो सर बोल रहे थे कि वो है जो इनका सॉल्यूशन था ना, वो पीडीएफ उन्होंने है जो उनके पास में है वो उसको अपडेट करना क्या भूल गए थे, यानी कि उसके अंदर मर्ज नहीं किया उन्होंने, और वो सीधा ही टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर सर सॉल्यूशन नहीं देते हैं तो आप एग्जाम बुक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्जाम बुक टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको जो इसका सॉल्यूशन दूंगा। और एक आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो अपना एग्जाम बुक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए, आपको यहाँ पर है जो हर बुधवार को शाम को 4 बजे नेवी एमआर के लिए कंप्लीट प्रश्न मिलने वाला है। इसी प्रकार जब जो प्रश्न आप अब इस टाइम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी प्रकार का प्रश्न प्रत्येक बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को शाम के 4 बजे यानी कि 4 PM पर आपको प्रश्न मिलेगा, कंप्लीट प्रश्न मिलेगा। और हर शनिवार को शाम को 4 बजे आपको इंडियन रोजगार पर मेरे द्वारा है जो प्रश्न मिलेगा। एग्जाम बुक ऑफिशियल पर भी मैं बनाऊंगा, और शनिवार को इंडियन रोजगार पर भी 4 बजे प्रश्न है जो मैं खुद ही बनाकर है जो अपलोड करूंगा। तो भी सभी साथी है जो एग्जाम बुक ऑफिशियल पर ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, और वहां पर है जो क्रांति बेंच भी स्टार्ट कर रखा है मैंने आप सभी के लिए, जो एक बेंच स्टार्ट कर रखा है क्रांति बेंच, जो नेवी और MR और जो एयरफोर्स है और जो कोस्ट गार्ड है यानी कि CG, इन सभी चारों वैकेंसी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी टॉपिक में आपको है जो अलग अलग करवा रहा हूँ, अभी तक मैंने है जो अभी 2-3 पार्ट अपलोड किए हैं, यानी कि प्रत्येक जो टॉपिक है उसका लगभग 2 या 3 पार्ट है जो अपलोड हो गए हैं। तो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा इस बेंच को ज्वाइन करो, और पीडीएफ इसकी कंफर्म मैं देता हूँ, पीडीएफ इसकी रेगुलरली है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पर है जो लगातार अपलोड करता रहता हूँ, तो पीडीएफ वाला को तो डाउट आपका निकल ही जाएगा, पीडीएफ तो लगातार आपको मिलती ही रहेगी। पीडीएफ वाला क्वेश्चन आपका मैं जो इसके अंदर नहीं सुनने वाला, क्योंकि बेंच की जितनी भी पीडीएफ होती है मैं लगातार अपडेट है जो टेलीग्राम पर अपलोड है वो करता रहता हूँ। तो एग्जाम बुक ऑफिशियल पर जाकर सब्सक्राइब कर लो। वैसे सर से मैं बोल दूंगा कि एग्जाम बुक ऑफिशियल का है जो कम्युनिटी के अंदर भी क्या है लिंक डाल दें, अगर कम्युनिटी के अंदर लिंक डाल देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, नहीं तो आप एग्जाम बुक स्लीपर जाओ और सर्च करो, वहां पर उसको ज्वाइन कर लो। और मैंने आपको बता रखा है कि एग्जाम बुक ऑफिशियल एग्जाम बुक करोगे तो और कोई चैनल आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आप अगर वहां पर करोगे एग्जाम बुक ऑफिशियल, तो जैसा कि एग्जाम बुक
ऑफिशियल अगर आप वहां पर करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, मेरी थंबनेल पर फोटोज भी लगी होगी, आप सभी देख लेना। अब देखो मैथ का क्वेश्चन, देखो मैथ का क्वेश्चन क्या दे रखा है, 13/15, क्या दे रखा है 13/15, इसके बाद 15/17, 17/19, 19/21, 13/15 और 15/17, 17/19 और 19/21, चार भिन्न संख्याएं आपको यहां पर दे रखी है। विच इज द बिगेस्ट डिफरेंट फ्रॉम, आपको सबसे क्या है सबसे बड़ी भिन्न संख्या आपको यहां पर बतानी है, 13/15, 15/19, 17/19 या फिर 19/21। तो सबसे बड़ी भिन्न संख्या यहां पर कौन सी हो जाएगी, 19/21, यानी कि ये है जो सबसे बड़ी भिन्न संख्या है वो हो जाएगी। कैसे होगी, सॉल्यूशन मैंने सर को भेज दिया, सर पीडीएफ को टेलीग्राम पर डाल देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या देर का है, प्रथम 15 संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 15 सम संख्याएं होगी, यहां पर भी थोड़ा सा इसके अंदर डाउट हो गया है, सम संख्याएं देनी है यहां पर, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग कितना होगा। जैसे सम संख्याएं कौन सी होती है, 2, 4 होती है, 2 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, तो कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हाँ 30 पूरी होगी। इन संख्याओं को जोड़ लो और फिर 15 से भाग दे दो, जोड़कर 15 से भाग दे दो, औसत आपको यहाँ पर पता चल जाएगा संख्याओं का योग होता है वो कितना होता है, जोड़ना ही आपको। तो जैसे 30, 28, 26, 24, 22, 18, 20, 16, 14, 12, 8, 10, 4, 6, 2, इन सबको जोड़ लो और योग आपको बताना है। तो 15 प्रथम सम संख्याओं का योग आपको बताना है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 41 नंबर, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग अगर 35 है, अगर उनका योग 35 है तो संख्या ही आपको बतानी है। तो सभी साथी क्या करेंगे, लगभग यही देखेंगे कि 20 और 15 35, ए ऑप्शन सही, लेकिन सभी देख लो, 11 और 24 भी 35 होते हैं, 18 17 भी 35 होते हैं और 25 और 10 भी 35 होते हैं। लेकिन यहां पर क्या देर का, यहां पर पूछा दो लगातार संख्याएं, अगर 25 के बाद कितना आता है, 26 आता है, तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया। 20 के बाद 21 आता है, ये भी गलत हो गया। 11 के बाद 12 आता है, ये भी गलत हो गया। अब एक ऑप्शन बचा आपके पास, 17 के बाद 18 आता है, और 17 के बाद 18 आता है, तो इन दो संख्याओं को जोड़ भी लो तो 35 हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 27 होगी, 28, 29 या फिर 30। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 29, तो 29 होगी सबसे बड़ी, फिर 28, फिर 27, फिर 26, फिर 25, यानी कि ये पांच हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच क्रमागत संख्या हैं, इनका औसत कितना है, 27 है। इन पांचों संख्याओं को जोड़ लो, फिर इनके अंदर जो पांच का भाग दो, औसत आगा 27। इनके अंदर पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 29, इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देने से पहले जो अपडेट थी कि इसके अंदर क्या आपको जो फ्री दिया गया है, ये आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, अभी आपको यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला, तो वीडियो को लास्ट के अंदर आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो वह सबसे छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 24, 36 और 60 से क्या है, पूरी पूरी विभाजित हो सके। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको यहाँ पर, 280, 320, 340, 360। अब देखो यहाँ पर तो कौन सी संख्या मिल रही है, 280 इसके अंदर सबसे छोटी है, और एक सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 320। लेकिन आंसर इसको नोट मत कर देना, यहाँ पर पूछा है इनमें से सबसे कौन सी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 24, 36 और 60 से विभाजित हो। तो लगभग अपने बात करें तो 24 को 36 से 12, 24 बारह 36 हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 36, 12 छठ 12 पंजा 60, ठीक है हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगभग है जो इसकी विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किसी सभा भवन में 7774 विद्यार्थी बैठे हैं, यानी कि 7744 विद्यार्थी अगर किसी सभा भवन में बैठे हैं, और वो इस प्रकार बैठे हैं, जितने छात्र बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। अगर देखो इस प्रकार से बैठे हैं, जैसे आपको यहाँ पर मैं डायग्राम के द्वारा अगर समझाना चाहूँ, तो जैसे मान लो ये एक सभा भवन है, इसके अंदर उन्होंने बोला कितने विद्यार्थी हैं, 7744, यानी कि 7444 व्यक्ति बैठे हैं।
इसने बोला है कि जितने विद्यार्थी बैठे उतनी ही पंक्ति है। अगर मैं बोल दूं कि एक पंक्ति के अंदर कितने विद्यार्थी है, पांच व्यक्ति हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसने बोल दिया जितने विद्यार्थी एक पंक्ति के अंदर बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, तो मतलब पांच ही पंक्तियां होगी, 3, 4 हो गया 5, यहां पर इसने बोल दिया कि पांच ही व्यक्ति बैठे हैं, तो इस प्रकार से कर लेंगे। तो अब देखो कितने हो गए, 5, 10, 15, 20, 25, तो बोल सकते हैं ना 25 हो जाएंगे, यानी कि 5 का क्या हो गया, सुकेर हो गया, यानी कि 5 × 5 हो गया, तो कितना हो गया 25। यहाँ पर कितना देर का है, इसने ये संख्या यहाँ पर देर की है 77, 44। तो अब इसको 77, 44 को क्या करेंगे, अब इसका आपको क्या वर्गमूल देख लेंगे, अब इसको क्या अनरूट कर लेंगे, तो इसका वर्गमूल देख लो, यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर देर का है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब 77, 44 किसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल किसका वर्गमूल होता है ये आपको देखना है। तो देखो 8 का अगर 4 का वर्ग निकालेंगे तो 4 का × 4 × 16 करेंगे, जैसे 4 इसका वर्गमूल कैसे निकालते ये देख लो, जैसे 4 × 4 करेंगे तो 4 को 4 करेंगे 16 आ गया, यहाँ पर 16 है, इकाई का अंक 6 है, ये नहीं होगा, 6 है, 6 को 6 से करेंगे 36, यानी कि 6 इकाई का अंक आएगा, 6 यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं होगा। 7 है, 7 × 7 करेंगे तो 7 को 7 से करेंगे, कितना गया 49, यानी कि 49, तो 9 इकाई का अंक आ जाएगा, यहाँ पर 9 इकाई का अंक है, इसमें भी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो बच गया 8 × 8, यानी कि 88 कर लो, जैसे 88 करेंगे, 88 को 88 गुणा करेंगे तो 8 × 8, यानी कि 8 × 64, 4 आ गया, यहाँ पर कितना है 4 है, और यहाँ पर भी 4 है, जो 4 बराबर यानी कि 4 यहाँ पर क्या है मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है, तो 88 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और रियल के अंदर ही 88 इसका करेक्ट आंसर है। तो उस पंक्ति के अंदर यानी कि एक पंक्ति में टोटल विद्यार्थी 88 बैठे हैं, और उसके अंदर कितनी पंक्तियां, इस प्रकार से कितनी पंक्तियां बनी हुई है, 88 पंक्तियां ही उसके अंदर बनी हुई है। आप 88 × 88 करेंगे तो 7744 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 88 का वर्गमूल कितना, वर्ग कितना होता है 7744 होता है, तो 88 इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राम और सीता की आयु का अनुपात 3:4 है, और उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आपको बताना है, तो आंसर आपको बता देता हूँ कितना हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा, इसका अनुपात है वो क्या निकलेगा, इसका अनुपात है वो क्या निकलेगा, 5:6 निकलेगा, कितना निकलेगा 5:6 हो जाएगा, जो डी ऑप्शन में दे रखा है। PDF आपको मिल जाएगी, इसमें अंदर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आगे देखो, कुछ घोड़े और कुछ मुर्गियां हैं, यदि उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है 100 है, और पैरों की संख्या उसने बोल दिया उनके हेड कितने हैं 100 है, उनके लेग्स कितने हैं 320 है। अब देखो 100 तो हो गए सबके, अब देखो घोड़े दे रखे हैं, तो घोड़ों के कितने पैर होते हैं 4 होते हैं, तो और जो मुर्गियां होती हैं, मतलब मुर्गी कितने होते हैं 2 होते हैं, ठीक है 2। अब इनको कॉमन करके आप इसका आंसर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन आपको है जो अलग से PDF मिल जाएगा, यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूँ, टोटली इसका आंसर कितना निकलेगा। यहाँ पर इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि जो हैंस कितनी है, यानी कि मूर्तियों की संख्या नहीं, मुर्गियों की संख्या, हैन पूछा होगा यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है, मुर्गियों की संख्या पता नहीं, तो मुर्गियाँ कितनी होगी, तो टोटली कितनी मुर्गियाँ है वहाँ पर, कितनी मुर्गियाँ हो जाएगी वहाँ पर है जो 40, तो 40 कौन सा देखा है, हाँ डी ऑप्शन, देखो डी ऑप्शन में 40 आंसर है जो देखा है। अब 40 तो यहाँ पर देखो ये हो गई, अब 40 80 हो गए, अब देखो 100 टोटल सर थे उनके, तो 100 में से 40 निकाले कितने बच गए, 100 में से 40 निकाले 60 बच गए, और 60 × 4 कर लो, 4 6 24, यानी कि 60 तो वहां पर घोड़े हैं और 240 घोड़ों के पैर हो गए, ठीक है। अब कितने बच गए, 40 बच गए, 40 मुर्गे हैं और 40 80 इनके हो गए, तो ये देखो 320 आ रहा है ना, सॉल्यूशन भी इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि आंसर अपना सही है या फिर नहीं है, तो 40 इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखा 2700 दीर्घ है, 2700 को आपका 33.5% आपको बताना है, ठीक है, इसका 33.5% आपको बताना है, तो कितना होगा इसका, कितना निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा 900, इसको सोल्व कर लेंगे तो 900 आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है, 4/3 गुना है, अगर वस्तु का विक्रय मूल्य एक्स है तो उसका क्रय मूल्य कितना है 4/3 x हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो आपको उसका परसेंटेज है जो लाभ में बताना है, तो कितना परसेंट उसको मिलेगा, 33.1/3% उसको मिलने वाला है। कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन PDF मिल जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किसी यहाँ पर क्या देगा, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
किसी राशि है जो एक वर्ष में है जो 6,000 मिलता है, यानी कि कोई राशि है जिसका 12% साधारण ब्याज की दर से उसको एक वर्ष के अंदर है जो उसको 6,000 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है, ठीक है। तो उस राशि जो मूलधन आपको पता नहीं कि जो राशि है वो आपको क्या मिलेगी, तो राशि कितनी हो जाएगी, वो राशि होगी 50,000 रुपये। अगर 50,000 पर आपको 12% की दर से ब्याज दिया रखा है, मूल 12% जो रेट दर है, जो दर क्या हो जाएगी, 12% हो जाएगी, तो 12% की दर से एक साल का जो ब्याज बनेगा ना 50%, 50,000 पर वो 6,000 रुपये बनेगा, तो राशि कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50,000 रुपये। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आदमी है जो 600 मीटर लंबी, एक आदमी है जो 600 मीटर लंबी, जैसे ये गली है इसकी लंबाई कितनी है, 600 मीटर है, एक आदमी 600 मीटर लंबी है, इस गली को पार करने में कितने मिनट लेता है, 24 मिनट लेता है। आपको इसकी स्पीड बतानी है, तो स्पीड बराबर क्या देता है, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसको इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर, कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर है जो उस व्यक्ति क्या है, स्पीड है, उसकी गति है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। तो नेवी हमारे का कंप्लीट 50 क्वेश्चन का प्रेक्षण यहाँ पर अपने हैं जो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं जैसे है जो इंडिया रोजगार के जो कमेंट आते हैं इस प्रेक्षण पर सभी कमेंट क्या है रीड करता रहता हूँ और लाइक भी करता रहता हूँ। तो कोई भी कमेंट होगा या फिर कोई भी डाउट होगा तो मैं जल्दी आपको उसको सोल्यूशन दे दूंगा। तो सभी साथियों ने पूरा प्रेक्षण देखा अच्छे से, स्कोर भी क्या होगा, लगभग आपका स्कोर है वो 35+ आया होगा। जिन साथियों का 35+ स्कोर है उनकी तैयारी मतलब बहुत ही अच्छी है और उनका स्कोर भी बहुत अच्छा है, और लगातार आप इस स्कोर के अंदर जो ग्रोथ कीजिए, इंक्रीज कीजिए, इसको डिक्रीज मत करना, क्योंकि नेवी एमआर की वैकेंसी बहुत जल्द आपके लिए आने वाली है और अपडेट भी लगातार आपको है जो मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो कैसा लगा, कंप्लीट प्रैक्टिस शीट आपको कैसा लगा, सभी साथी कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।